रैंपस स्कूल परिसर में आयोजित अटल स्मृति काव्यांजलि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने काव्यांजलि कार्यक्रम में उपस्थित कवियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने काव्यांजलि कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के एक माह पूरे होने पर मासिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रदेश के 403 स्थानों पर तथा देश के 4300 स्थानों पर आयोजित हुआ है, जिसके अंतर्गत गोरखपुर में अटल स्मृति काव्यांजलि का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कवियों द्वारा अपने स्वरों से पिरोकर कविताओं की प्रस्तुतीकरण कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि अटल जी के जीवन में राष्ट्र प्रेम, देश सेवा आदि के जो भाव निहित रहे, उसके पीछे उनमें बसा हुआ कवि हृदय प्रमुख था। सीएम ने कहा कि अटल जी का हमेशा यही प्रयास रहता था कि शासन की योजनाएं आम जन तक पहुंचे और उनको इसका लाभ मिल सके, इसके पीछे भी उनका कवि हृदय था। अटल जी सार्वजनिक जीवन में लगभग 11 वर्ष दूर रहे, किसी भी कार्यक्रम में भाग भी नहीं लिया, लेकिन उनके निधन पर हर व्यक्ति दुखी हुआ। ये उनके महान व्यक्तित्व की पहचान है। कविता पाठ करने वाले कवियों में पीएन श्रीवास्तव, अर्चना मालविया, नरसिंह माधव चंद, प्राची राज, राकेश राज, अर्चना वर्मा, चारू सिंह, चेतना पांडे एवं प्रज्ञा आदि शामिल रहे। इस अवसर पर सदर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर MLC देवेंद्र प्रताप सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित गणमान्य जन एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी से, कार्यक्रम संयोजक नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल से, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष महानगर, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, जो वास्तव में भारतीय जीवन पद्धति को स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है, उन पंक्तियों को मैंने आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। मैं योगी जी के संज्ञान में जानूँ कि अटल जी की प्रसिद्ध कविता को राज मानकौस ने उन्होंने खुद कंपोज किया है। साथ ही उन्होंने स्नान के पहले जहाँ लोग पावन नदियों का ध्यान करें, स्नान नहीं जलपान करें, जहाँ वो माता को अगर आप रंग दे करके ही जलपान करें, जहाँ शिक्षा की छुट्टी निकाल, फिर चौके का सामान करें, जहाँ भूखों का आदर है वह देश अजय अमर है, वह देश अजय अमर है। हर समाज के हर व्यक्ति के दरवाजे पर न्याय स्वयं चल करके पहुंचे और राष्ट्र की गरिमा उच्च शिखर पर पहुंचे, इसी नीति पक्तियों को लेकर के कुछ मैं लिखा हूँ। मित्र मत बोलो अभी भी राम, मित्र मत बोलो अभी भी राम, सखे मत बोलो अभी भी राम, अंग अंग पर उगते छाले, लिपटे षड्यंत्रों के जाले, धर्म जाति भाषा विवाद के बने हुए हैं अनगिन पाले, काबिज हैं बदनाम, मित्र मत बोलो अभी भी राम, मित्र मत बोलो अभी भी राम।
अभी बहुत से वस्त्रहीन है, अभी बहुत से वस्त्रहीन है, अभी अनेकों घर विहीन है। शिक्षा स्वास्थ्य न्याय के मंदिर अब भी अत्य भी नहीं है। काव्य फिर काहे है राम, मित्र मत बोलो अभी राम, मित्र मत बोलो अभी। हमें प्रगति का पथ गढ़ना है, भूख और भय से लड़ना है, राष्ट्र सफल समृद्ध बनाने अभी और सीढ़ी करना है, अभी और सीढ़ी करना है। शेष डॉक्टर चार अर्चना मांझी अटल स्मृति काव्यांजलि का सफल संचालन से उस व्यक्तित्व का नाम लेना जरूर चाहूंगी जिनके सभागार में हम सभी खड़े हैं, प्रेमचंद जी के और प्रथम महिला ट्रैंपस विद्यालय की विजयलक्ष्मी। अपनी पढ़ाई लिखाई की गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर्पित रहता है गोरखपुर थिएटर एसोसिएशन। इसका जीता जागता परिणाम आपके समक्ष है। हर माह इस मंच पे एक नाटक अवश्य होता है, उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा था। इसमें कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे राजेश राज जी, श्री नरसिंह बहादुर चंद जी, श्री आर डी एन श्रीवास्तव जी, श्री खुर्शीद आलम कुरैशी जी, श्री केशव पाठक जी, श्री चेतना पांडे जी, श्री प्राची राज जी, डॉक्टर अंजना वर्मा जी, श्री चारोशिला सिंह जी, श्री रचना मालवी जी, आज के स्थानीय पार्षद श्री ब्रजेश सिंह छोटे जी, विवेक श्रीवास्तव जी और पुत्री विनीता श्रीवास्तव जी, भारत माता के महान सपूत सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहावसान हुआ। देहावसान के बाद अपने देश और दुनिया के अंदर अटल जी के प्रति आम जन के मन में क्या श्रद्धा का भाव था, इस अभिव्यक्ति को अलग अलग तरीके से सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के अलावा राजनीतिक दलों के द्वारा समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले अलग अलग पक्षों ने अलग अलग तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सर्वे नेता को सम्मान देते हुए उनके अस्थि कलश को देश के सभी पवित्र नदियों में विसर्जन करने के बाद हमारा जो दूसरा चरण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ वह एक मास पूर्ण होने पर इस मासिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर हम सब उन्हें अटल काव्यांजलि के रूप में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 स्थानों पर इस प्रकार के अटल काव्यांजलि के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और पूरे देश के अंदर लगभग 4500 स्थानों पर ये कार्यक्रम इसी भावना के अनुरूप स्वाभाविक रूप से अटल जी की जो कविताएँ हैं वे हिंदी में हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में लोग इन कविताओं का पाठ कर रहे हैं। समय उनके पर छोड़ा गया है कौन से समय पर कहां पर उनको करना है, लेकिन हर स्थान पर ऐसे लोगों के माध्यम से स्वतः स्फूर्त भाव के माध्यम से अटल जी की कविताओं का पाठ हो और कविताओं के पाठ के माध्यम से काव्यांजलि के माध्यम से अटल जी को हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। आज उसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए से यह कार्यक्रम भी यहाँ पर गोरखपुर महानगर की ओर से आप सभी रखा है। मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी नेता को अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उनके अस्थि कलश को देश के सभी पवित्र नदियों में विसर्जित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ जन भावनाओं का सम्मान किया था। साहित्य जगत के द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी कि साहित्य जगत भी अटल जी को अपने तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहता है, इसलिए अटल जी के देहावसान के एक मास होने के कारण आज पूरे देश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में अटल काव्यांजलि का आयोजन किया गया है। अटल काव्यांजलि के माध्यम से जितने भी कवि हैं उनके द्वारा
अटल जी की कविताओं का पाठ किया गया और उनकी प्रेरणादायी कविताओं के माध्यम से समाज को प्रेरित करने, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का एक संकल्प भी लिया गया। आज के इस अवसर पर इस अटल जी के प्रति काव्यांजलि के रूप में श्रद्धांजलि का साहित्य जगत की एक विनम्र श्रद्धांजलि है और इसी कार्यक्रम की दृष्टि में।